जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपके साथ लाइव हूँ इस वक्त मदीना शरीफ से। और सऊदी अरब में मास्क के मुतल्लिक आप सब भाइयों को पता है कि अगर एक मास्क आप यानी कि मास्क आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वैसे पब्लिक प्लेस पर, वैसे बाहर जाएंगे मास्क के बगैर, तो आप सब भाइयों को पता है इसके मुतल्लिक कि 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा अगर किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया तो। बाहर ऐसे घूम रहा है, कर्फ्यू जब उठाया गया उस टाइम, कर्फ्यू के बाद तो भाई मास्क की बात ही नहीं है, वो तो फिर 5 से 10 हज़ार रियाल करेंगे और पकड़ेंगे भी। अभी मास्क के मुतल्लिक नया हुक्म आ गया जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी आपको भाई पढ़कर भी सुना देता हूँ। आज अमन अल आम यानी कि वजारत सेहत की तरफ से आप बोर ने ये पैगाम जारी किया गया है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अयल मुकीम ला यस्त खदम लल कमामा और ला यतल जम्ब मसाफात अल तबाल जितमा ये युवाकब अशरा वहदल फ्रियाल व यतम इबादत अन अमलकत व यमना मन दखूल नहाया। अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। उन लोगों ने पहले आपको सब भाइयों को पता है मास्क के मतलब, ऐसा मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो मेडिकल मास्क है ये आप लगा सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मास्क आप इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़े का मास्क है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ये कपड़े का है, इसको आप धो सकते हैं, वॉशेबल है डिटॉल वगैरह से, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई ऐसा कपड़े का पीस हो आपके पास वो आप अपनी नोज और माउथ को ढक सकें जिससे वो, ये जैसे जैसा कि ये पीस है मेरे पास, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने नोज और माउथ पर रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये बिल्कुल ऐसे पीछे से बांध लें इसको, आपका नोज और माउथ ढका होना चाहिए बस। अभी मैं बात करूंगा इधर जो मास्क के मुतल्लिक नया कानून पास किया गया है वो ये है भाई कि पहले था इसके मुतल्लिक कि 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा अगर आपने ये मास्क नहीं लगाया हुआ है तब। अभी ये कानून पास कर दिया गया है कि 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ पब्लिक प्लेस पर बाहर घूम रहे ऐसे, और उसके साथ उसका खरूज लगाया जाएगा। खरूज भी ऐसा भाई लगाया जाएगा कि किसी भी अरब ममालक में वो बंदा फिर उम्र भर दाखिल नहीं हो सकता है। ऐसा खरूज, ऐसा नहीं है कि वो खरूज लगा देंगे और 5 साल की मुद्दत के बाद या 2 साल 3 साल की मुद्दत के बाद आप आ सकते हैं, ऐसा खरूज नहीं लगाया जाएगा। आपका खरूज भी ऐसा लगाया जाएगा कि ताहियात आप किसी भी अरब ममालक में दाखिल नहीं हो सकते, और 1,000 रियाल इसका भी आपको देना पड़ेगा जुर्माना जो आपको करेंगे। इसलिए एहतियात कीजिएगा, जिस जहाँ भी पब्लिक प्लेस पर जाएँ, बाहर निकलें घर से, इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए तो